मिनट ना सोचें, इस बात को गौर से सोचें और दिमाग लगा के पूरे ध्यान से सोचना इस बात को, और हो सके तो अपने किसी बड़े से इस बात का जवाब भी मांगने की कोशिश करना। आखिर क्यों मुसलमान आज बिखरे हुए हैं? क्यों एक दूसरे को हम काफिर कहने पर तुले हुए हैं? क्यों बरेलवी देवबंदियों को, देवबंदी बरेलवी को, शिया सुन्नी को, ये सब के सब जितने भी फालतू के ढकोसले जो चल रहे हैं वो क्यों चल रहे हैं? वो चल रहे हैं हमारी वजह से। हाँ, हमारी वजह से। ऐसा नहीं कि भाई हम भी करते हैं इसकी वजह से, नहीं, हम भी करते हैं इसकी वजह से, तो बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं चल रही। ये चीज़ें इसलिए चल रही हैं क्योंकि हम कोशिश नहीं करते कि हम इल्म हासिल करें। हम कभी इल्म हासिल करने की ना कोशिश करते हैं, ना किसी को रेकमेंड करते हैं। हम कहते हैं कि जाओ, जाकर उन लोगों में बैठो जो पहले से वही काम कर रहे हैं जो तुमने भी आगे जाके करने हैं, वही फिर कवर है। हमें आज के टाइम पर ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो एट द एंड हमें ऐसा रास्ता दिखाएं, ऐसा तरीका बताएं हमें कि किस तरीके से हम वो सही इल्म हासिल कर सकते हैं। और आज के टाइम में ऐसे लोगों को ढूंढना मुश्किल नहीं है। मैं अभी कोई नाम रेकमेंड नहीं करूँगा, बट मुश्किल नहीं है, इतना तो आप लोगों को ही पता है, आपको मिल जाएंगे। बात यह है कि आप, दूसरी चीज़ यह है कि हम काउंटर नहीं करते। जब हमें कोई गलत चीज़ पता लगती है तो हमारे नबी ने क्या कहा, क्या हुक्म है इस्लाम के अंदर, क्या हुक्म है? जब कोई बुराई देखो तो उसे हाथ से रोको। सबसे पहली बात, उसे हाथ से रोको। अगर हाथ से भी ना रोक सको तो ज़ुबान से रोको, ज़ुबान से भी ना रोक सको तो कम से कम दिल में बुरा समझो। लेकिन ये ईमान का सबसे निचला दर्जा है, साथ ही एक चीज़ कह देती। तो हमें ये चीज़ कभी सिखाई नहीं गई। तो अगर सिखाई नहीं गई तो ऐसा नहीं कि अब हम सिखाई नहीं है तो हम अपने मम्मी डैडी को ब्लेम करें। हमें खुद अब चीज़, जब हमें पता लग चुकी है तो हमें ये चीज़ सीखनी चाहिए और इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपने ऊपर। लेकिन हम नहीं करते क्योंकि हम मुसलमान हैं, है ना। हमारे अंदर इस्लाम नहीं है, हमारे अंदर ईमान नहीं है। ईमान गया, ईमान उसी दिन फारिग जब हम नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज देख रहे थे। अब उस ईमान को वापस लाना ये हमारे ऊपर है। अपनी इबादतों को टाइम देना ये हमारे ऊपर है। अल्लाह के लिए वक्त निकालना ये हमारे ऊपर है। ये हमारे मम्मी डैडी का फ़र्ज़ नहीं कि वो हमें बार बार कहेंगे वह नमाज़ पढ़ लो। अब अगर आप एक शऊर के लेवल पर पहुंच चुके हैं, आप 15, 16, 17, 18 साल की उम्र तक पहुंच चुके हो, तो ये आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि आप खुद करो ये काम। आपके माँ बाप पर कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो आप चीज़ को, अब आपको इस चीज़ के बारे में कहें। लेकिन हमने तो कोशिश ही नहीं करनी, हमने इल्म हासिल ही नहीं करना। हमारे नबी ने क्या फरमाया था, वह अंतुमुल, नहीं हमारे नबी नहीं, मुझे माफ़ करना, कुरान में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है, वह अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। तुम बुलंदियों पर हो गए अगर तुम मोमिन हो। और हम बुलंदियों पर हो है ही नहीं, बिल्कुल निचले स्तर पर, निचले से भी निचले स्तर पर। क्यों भाई? ईमान नाम की तो चीज़ ही नहीं है हमारे अंदर। उस ईमान को बिल्ड करने का एक तरीका है, एक वे है, उसको हमने कभी सीखने की कोशिश नहीं की। कुरान हमने पढ़ा नहीं, लेकिन कुरान हम रोज़ पढ़ते हैं। इस तरीके से कुरान का लेवल हमने कर दिया कि कुरान हमने पढ़ा भी नहीं है और हम उसे पढ़ते भी रोज़ हैं। क्योंकि हम कुरान तो पढ़ते हैं लेकिन कुरान को समझते नहीं। हमने कभी कोशिश नहीं की कुरान को समझना भी चाहिए।